बड़ी खबर, लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर पप्पू यादव का बड़ा बयान आया है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं और सुर्खियों में रहे हैं। उन्होंने कहा कि लॉरेंस को जिसे मारना है मारे, मेरी हिफाजत की चिंता छोड़ दीजिए, सलमान या जिसे भी मारना है मारिए, लॉरेंस मुझे जल्दी मरवा दे ताकि कोई सच ना बोले, सब छोड़ सकता हूं लेकिन डर के जीने की आदत नहीं, अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करूंगा। पप्पू यादव ने कहा मेरी किसी से निजी दुश्मनी नहीं। दरअसल आपको याद होगा कि बाबा सिद्दीकी की जब हत्या हुई थी तो पप्पू यादव ने एक पोस्ट किया था और उसमें ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया था जिसे लेकर लोगों ने ट्रोल भी किया और लॉरेंस बिश्नोई को उसमें 2% का अपराधी बताया था, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिली। ये पप्पू यादव ने दावा किया कि उन्हें कॉल आया और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य खुद को बताते हुए कहा कि ये आपको चेतावनी दे रहे हैं। पप्पू यादव को सुन लीजिए। आप जब आप लोग सोशल मीडिया पर कुछ लिखते हैं, डर गए, सुरक्षा मांग रहे हैं पप्पू यादव, कंगना को किस बात की सुरक्षा की जरूरत थी? कभी भी आरएसएस के संरक्षक मोहन भागवत जी के पहले हिस्ट्री उठा करके देखिए, बिना सुरक्षा के चलते थे। और हमने कब मांगा आपसे सुरक्षा? हम हर दिन लोगों के बीच होते हैं, लोगों के बीच चलते हैं, रात के 3 बजे तक जगे रहते हैं अर्जुन भवन में। आपको जब आना हो आइए और मार के जाइए। क्या हम आपको रोक रहे हैं कि आप मत मारिए? जो लोग आलोचना करते हैं कि डर गए, तो भैया मरवा दो ना, क्या दिक्कत है? हम तो चाहते हैं कि जल्दी हम मरे, आपको भी मारने की जल्दीबाजी है तो जल्दी करिए, खत्म करिए, जो हिंदुस्तान से सच गायब हो जाए। सुकरात को पता था कि उसको जहर दे दिया जाएगा, इसीलिए जिनके मन में बहुत डर है, चाहे कोई भी हो, मेरा कोई निजी आदमी हो, रिश्तेदार हो, मैं डर के कारण तो कुछ नहीं करूंगा। जिसको जो मन में है करे, मैं डर के जीने की आदत मुझे नहीं है। सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा, छोड़ देंगे, लेकिन अपनी जिंदगी और के लिए अपने आइडियोलॉजी से कोई समझौता नहीं करेगा। फिर मैं कह रहा हूं, मेरी लड़ाई ना कभी, मैंने लॉरेंस को भी कहा, मैंने कई बार कहा कि लॉरेंस का जब फोन आया तो मैंने कहा कि भैया तुमको किसे मारना है, किसे क्या करना है, ये तुम्हारा दायित्व। करनी सेना के अध्यक्ष को जब उन्होंने मारा था तब हम सदन में उठाए। हमें जो कहना था, मैं ट्वीट के माध्यम से एज ए नेटवर्क के बारे में कहा कि देश में संविधान, कानून, लोकतंत्र और देश से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। भिंडरवाला के इतिहास को याद करिए, जब देश से बड़ा होने लगा था तो हमारा देश अलगाववाद की ओर चला गया था और देश टूटने लगा था। इस तरह कश्मीर में भी जब हमारे कुछ लोग अपने को देश से ऊपर समझने लगे थे तो हमारे हिस्से टूटने लगे थे। और आज मणिपुर, नागालैंड में कुछ लोग हमारे कंट्री के संविधान से अपने को ऊपर समझने लगे तो आज देश अलग हो चुका है। मणिपुर, नागालैंड बिल्कुल हमारे कंट्री से बिल्कुल दूर जा चुके हैं। जो लोग हमें गाली देते हैं, वो गाली इस देश के पीएम, सीएम और मुख्यमंत्री से क्यों नहीं बात करते? आपने गौर किया होगा, जब पप्पू यादव बयान दे रहे थे तो उनके पीछे सुरक्षाकर्मी भी थे, तो संगीनों के साये में भी ये बयान दे रहे थे। और अब जुबान बदली हुई है, बदली बदली भाषा है। रितेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से, आनंद सिंह मुंबई से और जावेद हुसैन दिल्ली से। जावेद, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँ, ये जो पप्पू यादव की बदली हुई भाषा है, ये क्या है? अब कह रहे हैं कि हमने कब सुरक्षा मांगी, क्या आप ये कंफर्म करेंगे कि गृह मंत्रालय को जो चिट्ठी लिखी गई थी उसमें सुरक्षा मांगी गई थी कि नहीं?
देखिए, इस पूरे मामले में पप्पू यादव की तरफ से ऐसा कोई भी अभी तक सुरक्षा को लेकर यह बयान नहीं आया, लेकिन देखिए मीडिया के सोर्सेज के माने और हम अपने टॉप सोर्सेज के माने तो अगर हम दिल्ली से जिस तरीके से ये पूरा मामला लॉरेंस को लेकर, क्योंकि यहाँ उसके गैंगस्टर्स एसोसिएट्स का मेन नेटवर्क कनेक्शन होता है दिल्ली से, तो ये खबरें आ रही थी कि जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले पप्पू यादव को जो धमकी मिली थी और जिसमें साफ ये धमकी बताया जा रहा था कि दिल्ली देश के बाहर से है और वो शख्स जो पप्पू यादव को जानता है, उसे अपना गुरु मानता, बड़ा भाई मानता था, लेकिन शुरुआत में जो ऑडियो टोन था वो पहले बहुत विनम्र था, लेकिन बाद में लास्ट के जो दो ऑडियो है उसमें पूरी तरीके से वो टोन चेंज हो गया, जिसमें पप्पू यादव से तुम और इस पे आ गया। लॉरेंस बिश्नोई के इस एसोसिएट का साफ ये दावा है कि जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई को सलमान खान और बाबा सिद्दीकी के मामले को लेकर पप्पू यादव ने किया था, उसमें उसने ये भी कहा कि इसे राजनीति से ना जोड़े और ना हमारे बीच आए, लेकिन ऑडियो के दूसरी तरफ पप्पू यादव की कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दी गई। इस जो पटना में पप्पू यादव का शायद कोई सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसमें इस ऑडियो को पूरी तरीके से बाकायदा शेयर भी किया गया और इसमें जो पूरी जांच की जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई जिस तरीके से लॉरेंस के इस एसोसिएट ने दावा किया है कि अगर पप्पू यादव अगर नहीं समझे, और यहाँ तक कि ये भी आपने सुना होगा इस ऑडियो में, एक सबसे बड़ा ये चौंकाने वाली बात है कि पूरे जैमर को रुकवा कर कॉन्फ्रेंस के जरिए लॉरेंस बिश्नोई पप्पू यादव से बात करना चाहता था, लेकिन पप्पू यादव से बात नहीं हो पाई। उसके बाद कॉन्फ्रेंस के जरिए जिस शख्स ने, जो एसोसिएट है लॉरेंस का, जो खुद को क्लेम कर रहा है, वो उसने पप्पू यादव को फ़ोन किया, उसने ये कहा कि कब बात करना है, कैसे करना है बता दे और साइड में आकर बता। उसके बाद उसने ये भी कहा कि एक मिनट के लिए जैमर को रुकवाने का मतलब है लाख रुपए, यानी कि ये तकरीबन जो लॉरेंस बिश्नोई का ये कॉन्फ्रेंस कॉल था तकरीबन 10 मिनट का था, यानी कि 10 मिनट के कॉल का मतलब है, जो दावा किया जा रहा है उस एसोसिएट की तरफ से, वो 10 लाख रुपये का था, यानी कि लॉरेंस चाहता है पप्पू यादव से बात करने का। रही बात इस वक्त जो आप पूछ रहे हैं कि किस तरीके से पप्पू यादव का जो ये बयान है, तो ये देखिए वह बेहद ही बदला हुआ सुर है और इसमें पप्पू यादव की वो चीज़ें साफ दिखाई दे रही कि पप्पू यादव पूरी तरीके से घबरा गए, क्योंकि जो पहले जब बाबा सिद्दीकी के बेटे से पप्पू यादव की मुलाकात हुई थी, उसके बाद जो पप्पू यादव का जो लगातार स्टेटमेंट आ रहा था सोशल मीडिया पे भी कई चीज़ें वायरल हो रही थी, उस वक्त और इस वक्त के अंदाज में पप्पू यादव का जो अंदाज है बिल्कुल बदल चुका है। पप्पू यादव कहीं ना कहीं मान रहे हैं और कई जगह वेबसाइट और सोशल मीडिया पे भी ये सामने आया था कि पप्पू यादव सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और उन्होंने गृह मंत्रालय से इस बात की गुहार भी लगाई है। तो क्या ये पप्पू यादव गृह मंत्रालय से गुहार लगाई है, ये मैं पूछना चाह रहा था जावेद, क्या चिट्ठी लिखी है पप्पू यादव ने? देखिए पप्पू यादव की तरफ से ऑफिशियली उनके तरफ से कोई ऐसा नहीं आया, लेकिन कई जगह सुर्खियों में है कि पप्पू यादव ने कहीं ना कहीं अब कह रहे हैं कि हमने कब सुरक्षा मांगी, लेकिन साथ ही साथ कह रहे हैं कि कंगना को क्यों सुरक्षा दी। सुरक्षा मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं, तो ये कन्फ्यूजन की स्थिति है। आप अब लॉरेंस बिश्नोई को 2% का अपराधी बताते हैं और अब कहते हैं कि नहीं हमने तो नेटवर्क को लेकर बोला था। रितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रितेश DGP साहब से भी गुहार लगाई थी, उन्होंने जानकारी दी थी बिहार के DGP को भी, बिहार पुलिस को भी कहा था, यहाँ तक कि कहा था कि आप सुरक्षा नहीं दीजिएगा तो मेरे मरने के बाद फिर आप देखिएगा पछताइएगा, ये सब कुछ हुआ था। अब ऐसा क्या हुआ कि सुर बदल गए, और क्या ये धमकी का असर है या फिर हाल के दिनों में जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जिस तरह की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, बाबा सिद्दीकी को भी वाई कैटेगरी की सुरक्षा थी तब भी हत्या कर दी जाती है, तो क्या पप्पू यादव मान लिए हैं कि भाई सुरक्षा कितनी भी हो अगर उसे मारना है तो मार देगा? देखिए पप्पू यादव इतने डरपोक नहीं है सुमित, आप भी जानते हैं कि पप्पू यादव भी बाहुबली रह चुके हैं और जेल अपराधियों और दुर्दांतों से इनका पुराना नाता है। अभी जावेद ने जैसा बताया तो देखिए कि इनका ग्रुप है पप्पू यादव का, जन अधिकार पार्टी की ये एक अपना ग्रुप है, और इसमें देखिए कि एक बार मैं दिखाना चाहूँगा कि
अज्जू लॉरेंस के नाम से इनको फोन आया, जो इनके जो पप्पू यादव के जो लोग हैं उन्होंने इसे ग्रुप में डाला था, और उसके बाद ही ये मीडिया में सारी चीज़ें देखिए कि बाकायदा जो ये लॉरेंस बिश्नोई है उसको उसका फोटो भी है वो जो व्हाट्सएप का वॉलपेपर जो होता है जो डीपी होती है, तो ये सारी चीज़ें उसमें डाली गई हैं। बाकी इसमें आप देखेंगे तो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी डाली गई हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि पप्पू यादव जो हैं कोई भी मुद्दा हो किसी भी पार्टी का मुद्दा हो नेताओं पर वो सवाल उठाते हैं, नेता कुर्ता पैजामा पहनते हैं उस पर सवाल उठाते हैं। पप्पू यादव की ये मानसिकता रही है कि वो खुद को अलग दिखाते हैं और यही अलग दिखाने में उन्हें फायदा भी हुआ। देखिए कि बतौर निर्दलीय उन्होंने पूर्णिया में अपनी जीत दर्ज करा दी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो नेता जो कल तक ट्विटर पर आता है वो कहता है कि 24 घंटे का समय केंद्र सरकार दे दे पूरे लॉरेंस बिश्नोई और उसके पूरे गैंग का पूरे देश से 24 घंटे में सफाया कर दूंगा, उसके बाद देखिए कि बड़ी नाटकीय सारी चीज़ें हुई हैं। उसके बाद पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें हमारी भी टीम जाती है, जब हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो वो पहले ही कर देते हैं सारे पत्रकारों को कि देखिए आप सब पूछ लीजिए, राजनीति पर पूछ लीजिए, तेजस्वी पर पूछ लीजिए, नीतीश कुमार पर पूछ लीजिए, लालू जी पर पूछ लीजिए, लॉरेंस बिश्नोई पर मत पूछिए। लेकिन एक जी पत्रकार था उसने जब पूछा तो पप्पू यादव हत्थे से उखड़ गए, वो उसके खानदान तक वो चले गए। तो ये उनकी मानसिकता क्या है, क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं समझ ही नहीं आ रहा है। आप देखिए कि फिर उनकी पत्नी रंजीता रंजन खुद सांसद रही हैं, काफ़ी बड़े प्रोफाइल की वो लीडर हैं कांग्रेस की, लेकिन रंजीता रंजन मुखर होकर वो सामने आती हैं। कभी भी उनके अगर आप देखेंगे रंजीता रंजन को तो पप्पू यादव की राजनीति उनकी राजनीति अलग रही है और कभी एक दूसरे की राह के रोड़ा नहीं बने। फिर रंजीता रंजन आती हैं, वो कहती हैं कि मुझे पप्पू यादव से कोई मतलब नहीं है, एक डेढ़ साल से हमारा संपर्क नहीं है, हमारे बच्चों का भी संपर्क नहीं है। लेकिन कुछ ही दिन पहले पप्पू यादव के पिताजी का निधन हुआ था और सारी जो जिम्मेदारी थी वो पप्पू यादव के जो सुपुत्र हैं उन्हीं के कांधे पर थी और पप्पू यादव ने बकायदा अपने पुत्र को अपने वोटर्स अपने लोगों से मिलवाया भी, इंट्रोड्यूस भी कराया। तो उनकी पत्नी भी क्या कहती है वो भी समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद कोई कितना भी सवाल उनसे पूछ रहा है लॉरेंस बिश्नोई को लेकर नहीं बोल रहे हैं। अब आप आ रहे हैं मुंबई, गए मुंबई जाकर आप कहते हैं कि सलमान खान से मेरी बात हुई है, मैंने उन्हें संबल दिया है कि मैं हूं आपके साथ, आपको कुछ नहीं होगा। फिर आप कह रहे हैं कि सलमान खान को कुछ हो नहीं हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी है। तो पप्पू यादव ने जो बयानबाजी की अब उसी में वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और एक बात जो उनको बहुत नजदीक से जो लोग जानते हैं उनका कहना है कि पप्पू यादव को लंबे समय से एक उनके अंदर है कि मुझे भी जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिले और उस क्राइटेरिया को वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो हो सकता है कि इस तरह का भी मामला हो, लेकिन पप्पू यादव परिपक्व नेता है, जब चले अपने वोटर्स के बीच जाएं, गांव घर में जाएं तो थोड़ा दलबल के साथ जाएं, सुरक्षा बल के साथ जाएं, दुखावे का वो सुरक्षा। और कई लोग इस सुरक्षा की मांग करने के लिए अगर इस तरह के सुर्खियों में रहने की कोशिश है तो अपने आप में ये हास्यास्पद है कि नाटकीय ढंग से आप सब कुछ बदल देते हैं अपने बयान और मीडिया को ही आप दोष देते हैं। इस बीच आनंद मुंबई आ रहा हूँ ये सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, चूँकि मुंबई आने की बात थी कि मुंबई आकर देख लेंगे, फिर मुंबई आ गए तो उसको भी पोस्ट किया मुंबई आ रहा हूँ। मुंबई में आए, बाबा सिद्दीकी के बेटे से मिले पप्पू यादव, फिर कहते हैं कि सलमान खान से भी बात हुई है, हमने उन्हें भरोसा दिया है हम आपके साथ हैं। अब फिर पटना चले जाते हैं तो वो कहते हैं सलमान को मारे किसी को मारे हमें कोई मतलब नहीं है। जी सुमित, देखिए जिस तरीके से पप्पू यादव ने हर बार अपना एक रुख बदला है तो ये काफी इनके लिए सरप्राइज वाला फॉर्म है, क्योंकि पहले जैसे ही जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी मुंबई में तब इन्होंने काफ़ी मुखर होकर लॉरेंस बिश्नोई जो है, जो गैंगस्टर है और अभी गुजरात की जेल में बंद है, तो उसको उन्होंने दो टके का गुंडा बताया था और उसके ऊपर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर 24 घंटे के लिए पुलिस हमें दे दी जाए तो हम दिखा देंगे कि किस तरह से इनका सफाया किया जा सकता है। उसी के बाद फिर ये मुंबई आते हैं, मुंबई आने के पहले एक चिट्ठी लिखी जाती है गृह मंत्रालय को सुरक्षा बढ़ाने को लेकर, मगर फिर जब ये जिसान सिद्दीकी और फिर जैसा कि पप्पू यादव ने खुद क्लेम किया था कि सलमान खान से इनकी बात हुई है और फिर ये वापस जाते हैं और उन्होंने सलमान खान को
एक हौसला भी दिया था कि वो उनके साथ खड़े रहेंगे चाहे किसी भी तरह की परिस्थिति हो, मगर अब जो स्टैंड पप्पू यादव ले रहे हैं तो ये आज काफी एक सरप्राइज फैक्टर है पप्पू यादव के लिए, क्योंकि वो खुद बिहार से आते हैं, बाहुबल नेता हैं, वहां पर बाहुबली के तौर पे इनको देखा जाता है। 1990 का जब दशक था बिहार का और फिर 2000 का जो दशक था, तो उसमें जहां एक तरफ पप्पू यादव की एक समय में टूटी बोलती थी, तो वहीं आज पप्पू यादव काफी दूसरे अंदाज में नजर आ रहे हैं। क्या ये क्यों इनके स्वर बदले हैं? क्या ये सिर्फ एक सुर्खियां बटोरने की एक कोशिश भर है? अक्सर चूंकि पप्पू यादव बयानों के कारण सुर्खियों में रहते हैं, अपने अलग अंदाज के कारण भी सुर्खियों में रहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो सुर्खियों में बने रहें, तो क्या ये कोशिश भर है? लेकिन ये कोशिश जो है वो भारी पड़ती नजर आ रही है कि अब साहब धमकी भी मिल गई और सुधर जाओ, ये सब चेतावनी मिल रही है। इसका सच क्या है ये जांच का विषय है, लेकिन क्या उसका ये असर है? और बार बार इस तरह का बयान देकर क्या सुर्खियां बटोरने की कोशिश भर है पप्पू यादव की? बहुत शुक्रिया रितेश जावेद और आनंद आपका तमाम जानकारी के लिए।